माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपमास वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके सामने लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल साबूदाना की थाली, जो कि हमने सारी रेसिपीज़ में साबूदाने से बनाई है। साबूदाने की पूरी है, साबूदाने की खीर है, साबूदाने के दही बड़े हैं और साबूदाने की टिक्की है, साथ में आलू की सब्जी है, जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाया है और झटपट बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम हरी चटनी बना लेंगे। इस तरह से एक टमाटर ले लिया, एक हरी मिर्ची और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा। चॉपर में चॉप करके हमने इसलिए लिया है क्योंकि डायरेक्ट मिक्सी के जार में डालते हैं तो बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं टमाटर के। इस तरह से चॉपर में चॉप करके ले लिया है हमने टमाटर को, और साथ ही हमने हरा धनिया ऐड कर लिया है। एक छोटी चम्मच सेंधा नमक ऐड करेंगे, एक छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी मिला के और एक आधा नींबू का रस मिला के हम अपनी चटनी को पीस लेंगे। मैंने नींबू का रस इसमें ऐड नहीं किया था, चटनी हमारी पीस के तैयार है तो अब हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे। ये देखिए, आधा नींबू ले लिया मैंने। अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करके ये हमारी व्रत वाली हरी चटनी बनके तैयार है, झटपट चटनी बनके तैयार है। अब हम अपनी आलू की सब्जी के लिए, ग्रेवी के लिए टमाटर काट लेंगे। दो टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। इसको भी हम मिक्सी के जार में डाल के स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। थोड़े से काजू के टुकड़े ऐड कर लिए हैं मैंने, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच हम इसमें फ्रेश दही ऐड कर लेंगे। ये हमें अपनी सब्जी की ग्रेवी बनानी है तो उसमें डालेंगे। थोड़ा सा भुना जीरा ले लिया है मैंने, इसका अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे पीस के। ये देखिए, सब्जी की ग्रेवी हमारी बनके तैयार है, स्मूथ पेस्ट बना लिया हमने। अब हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। एक बोल मैंने साबूदाना ले लिया है, ये देखिए इस तरह से सूखा साबूदाना लिया है मैंने। गीले कपड़े पे रखकर उसको इस तरह से अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि उसके ऊपर जो भी गंदगी हो वो हट जाए। अपनी कढ़ाई में, गैस पे हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें हम अपना साबूदाना डाल के बहुत अच्छे से रोस्ट करेंगे। अच्छे से चलाते हुए हमें इसे रोस्ट करना है। जब तक रोस्ट करना है जब तक ये दबान के टूटना ना लगे। इधर देखिए, सामा के राइस ले लिया है मैंने आधी छोटी कटोरी, उसको भी हम इसी तरह से गीले कपड़े से पोंछ के ले लेंगे। इधर साबूदाना हमारा भुन रहा है, बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसको देखिए, हम एक बार क्रश करके देख लेते हैं। इस तरह से जब हम क्रश करेंगे तो उसका चूरा हो जाना चाहिए, इसका मतलब हमारा साबूदाना अच्छे से भुन गया है। ये देखिए, अच्छे से क्रश हो रहा है हमारा साबूदाना, इसका मतलब हमारा साबूदाना अच्छे से रोस्ट होके तैयार है। साबूदाना निकाल लिया है, अब हम इसमें सामा के राइस भी ऐड कर लेंगे और उनको भी इसी तरह से अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, सामा के राइस का कलर चेंज हो गया है, ये भी हमारे अच्छे से रोस्ट होके तैयार है। साबूदाना हमारा ठंडा हो गया है, उसको मिक्सी के जार में डालकर एक अच्छा स्मूथ पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, हमारा साबूदाने का पाउडर बनके तैयार है। उसको एक बार छलनी से हम छान लेंगे ताकि इसमें कुछ भी मोटे दाने हों तो वो अलग हो जाएं। ये देखिए, हमारा साबूदाने का आटा बनके तैयार है, पाउडर फॉर्म में बन गया है हमारा साबूदाने का आटा। अब हम इसी तरह से सामा के राइस को भी मिक्सी के जार में डालकर एकदम स्मूथ पाउडर बना लेंगे। सामा के राइस का पाउडर भी हमारा बनके तैयार है, उसको भी एक बार छान लेंगे। और इस तरह से हमने अपने दोनों आटे बना के तैयार कर लिए हैं, सामा के राइस का आटा और साबूदाने का आटा। अब अपना हम अपना डो लगा लेते हैं। एक बर्तन में हम अपने साबूदाने का आटा ले लेंगे, साथ ही इसमें हम थोड़ा सा इसमें सामा के राइस का आटा ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे हम आधी छोटी चम्मच सेंधा नमक। पूड़ी के लिए हम आटा लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और मोइन के लिए हम इसमें डाल देंगे देसी घी। 2 से 3 चम्मच हम इसमें देसी घी ऐड कर देंगे। और इसकी बाइंडिंग के लिए हमने इस तरह से बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के। उनको इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करके बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम अपना एक पानी की हेल्प से एक सेमी सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है और ना ही ज़्यादा टाइट लगाना है, क्योंकि साबूदाना पानी सोखता है
तो ज़्यादा टाइट टो नहीं लगाना है हमें। इस तरह से इसको घी से ग्रीस करके हम 10-15 मिनट के लिए साइड में ढक के छोड़ देंगे। ये देखिए आटा हमारा तैयार है, इसको छोड़ देंगे साइड में। इधर हम अपनी सब्जी बना लेते हैं। तब तक एक कढ़ाई में हमने 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल लिया है, साथ ही उसमें ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 से 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इसमें अब हम ऐड करेंगे अपनी टमाटर, काजू और दही वाला जो पेस्ट बना के तैयार किया था ना, वो ऐड कर लिया है हमने इसमें। इसको बहुत अच्छे से चला लेंगे। चलाते हुए हमें इसे तब तक भूनना है जब तक हमारा ग्रेवी घी रिलीज़ ना करने लगे। इसको चलाते रहेंगे। थोड़ा सा नमक और ऐड कर लेंगे। नमक हमने पहले भी ऐड किया है तो ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। इस तरह से तब तक चलाएंगे जब तक घी रिलीज़ नहीं हो जाता। ये देखिए मसाले ने हमारा घी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको एक बार और अच्छे से बॉयल आने देंगे। जब हमारी ग्रेवी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी में अच्छा बॉयल आ गया है, हमारी ग्रेवी अच्छी सी बनके तैयार है। अब हमने यहाँ 4 से 5 उबले हुए आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया है, वो हम अपनी सब्जी में ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और लिड लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे। ये देखिए 1-2 मिनट हो गया है, सब्जी हमारी बनके तैयार है। इसको एक बार चला लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी हमारी आलू की सब्जी बनके तैयार है, झटपट आलू की सब्जी। इसको गार्निश कर लेंगे धनिया पत्ते से। ये देखिए आलू की व्रत वाली सब्जी हमारी बहुत अच्छी बनके तैयार है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सब्जी तो बन गई है हमारी। अब हम बना लेते हैं खीर। इसके लिए मैंने 1/2 लीटर दूध ले लिया है, गैस पे दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। इधर हमने सोख किया हुआ साबूदाना लिया है 1 कटोरी। ये देखिए कितना अच्छा फूल के तैयार है। 3 से 4 मिनट हमने इसको भिगो के छोड़ दिया था और अब हम बीच बीच में दूध को इस तरह से चलाते रहेंगे। दूध में बॉयल आ गया है, साबूदाना ऐड कर लेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसमें हम डाल देंगे 2 हरी इलायची क्रश करके, उसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ किशमिश, काजू, बादाम को अच्छे से क्रश करके ले लिया है। आप जो डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। ये भी हम अच्छे से इसी टाइम डाल लेंगे ताकि ये भी हमारी खीर के साथ अच्छे से गल जाएं। साथ ही यहाँ मैंने थोड़े से मखाने ले लिए हैं, उनको घी में रोस्ट करके ले लिया है मैंने मखानों को। और देखिए रोस्ट करने से हमारे मखाने हाथों से ही कितने अच्छे से क्रश हो रहे हैं। क्रश करके हम अपने मखाने भी अपनी खीर में ऐड कर लेंगे। हमारी खीर में मखाने और ड्राई फ्रूट डालने से टेस्ट दुगना हो जाता है और हमारी खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। ये देखिए साबूदाने को एक बार हम इस तरह से हाथ में लेके क्रश करके देख लेंगे। बहुत अच्छे से गल गया है हमारा साबूदाना और इसको बनने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगते हैं और ये खीर बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी साबूदाने की खीर भी हमारी बनके तैयार है। इसमें 4 से 5 चम्मच चीनी ऐड करके अपनी खीर में मिक्स कर लेंगे। अब हम बनाएंगे अपनी साबूदाने की टिक्की। उसके लिए मैंने 6 से 7 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है अपने सारे आलुओं को और एक बड़े बोल में हम अपने आलू डाल लेंगे। साथ ही मैंने ये सोक किए हुए साबूदाना ले लिया है, 2 कटोरी मैंने साबूदाना लिया है। 2 कटोरी साबूदाने को मैं अपने आलू में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 छोटी चम्मच सेंधा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप यहाँ टेस्ट करके भी देख सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे ग्रेटेड अदरक और धनिया, साथ ही हरी मिर्ची भी ऐड कर लेंगे हम इसमें। यहाँ पे आप इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने फ्रेश भुना हुआ जीरे का पाउडर ले लिया है 1 से 1.5 छोटी चम्मच और अब हम अपने इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा जो हमने सामक के राइस का आटा बनाया था ना, 3 से 4 छोटी चम्मच अब हम वो भी ऐड कर लेंगे। इससे हमारे टिक्की में अच्छा क्रिस्पी टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने बैटर को और इसके हम अपनी
हाथों को घी से ग्रीस करके और इसके अब हम बनाएंगे साबुदाने के वड़े। गोल गोल छोटे से बॉल की साइज़ के बनाएंगे तो हमारे वड़े बनके तैयार हो जाएंगे। इस तरह से गोल गोल हाथों के बीच में हम अपनी छोटी बॉल का साइज़ बना लेंगे और ये हमारे वड़े बनके तैयार हो जाएंगे। और इसी से हम बनाएंगे साबुदाने की टिक्की। सेम बैटर से हम टिक्की और वड़े दोनों बना लेते हैं, बस इसको सेकने का तरीका अलग होता है और इसकी शेप अलग होती है। बैटर सेम ही रहेगा, इसको सर्व करने का तरीका अलग होता है और बनाने का तरीका अलग होता है। इस तरह से हम अपनी टिक्कियाँ और वड़े बना के हमने तैयार कर लिए हैं। इनको हम फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 1 से 1.5 घंटा हम इनको फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है, हमारे वड़े और टिक्कियाँ सेट होके तैयार हैं। कढ़ाई हमने एक पैन ले लिया है गैस पे, उस पर हम ऐड कर देंगे देसी घी। अब आज हम इनको सेलो फ्राई करके बना रहे हैं, आप चाहो तो इन्हें डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। यहाँ इनके ऊपर थोड़ा सा घी ग्रीस कर देंगे, अच्छे से घी डाल लेंगे और इनको अच्छे से अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम अपनी टिक्कियों को सेकना है। ये देखिए बीच बीच में हम इनको अलटते पलटते रहेंगे और अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है हमारे टिक्कियों पे। अब हम अपने वड़े बना लेंगे। तो यहाँ मैंने अप्पा मेकर लिया है, उसमें घी डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे अपने अप्पे मेकर को और इसमें अब हमनी वड़े के बॉल्स सेट कर लेंगे, उनके ऊपर भी घी से ग्रीस कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको ढक के सिकने देंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, एक बार अपने वड़ों को चेक कर लेते हैं। इस तरह से पलट अलट पलट के हम इनको भी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेकेंगे। ये देखिए कितना अच्छे क्रिस्पी वड़े बनके हमारे तैयार हो गए हैं। झटपट हमने टिक्कियां और वड़े दोनों बना लिए हैं। इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम अपने वड़ों को भी सेक लेंगे और ये खाने में इतने ज़्यादा डिलीशियस हैं फ्रेंड्स, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी तरह के वड़े बना के तैयार करना चाहेंगे। ये देखिए वड़े बनके हमारे तैयार हैं और इधर टिक्कियाँ भी बनके हमारी तैयार हैं। अब हम अपनी पूरियाँ बना लेते हैं। तो ये आटा हमारा सेट होके तैयार है। मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है आटा, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लूँगी ताकि पूरियाँ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से गोल पेड़ी ले ली है मैंने, उसको चकले पे इस तरह से ग्रीस करके घी से और हम बेल लेंगे। ये थोड़ा सा आटा हमारा सॉफ्ट नहीं स्मूथ नहीं होता है तो इसके किनारे फटते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको एक ढक्कन लेके टिफ़िन का उससे कट करके अपनी पूरी की गोल शेप दे लेंगे इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी गोल शेप आ गई है हमारी पूरी की। अब हम अपने घी को चेक कर लेंगे एक बार, उसमें एक थोड़ा सा आटा डाल के हम देखेंगे। पूरी हमारी बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गई है। घी चेक कर लेते हैं, देसी घी लिया है मैंने पूरी तलने के लिए भी। ये देखिए अच्छा गर्म होना चाहिए ताकि डालते ही बबल आने लगे। घी हमारा अच्छा गर्म है, अब हम इसमें अपनी पूरी डाल लेंगे। इस तरह से सीधे हाथ से ही हमें अपनी पूरी डालनी चाहिए, तवे पे रोटी भी हमें सीधे हाथ से ही डालनी चाहिए और इस तरह से पोनी से प्रेस करते हुए हमें अपनी पूरी को सेकना है। इस तरह से पोनी से प्रेस करके सेकते हैं तो पूरी हमारी अच्छी फूली फूली बनके तैयार होती है। इधर पूरी सिक रही है तब तक हम अपनी दूसरी पूरी की भी तैयारी कर लेते हैं। उसको भी इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए हमें थोड़ा सा बड़ा करना है और इस पूरी को भी हम बीच बीच में अलटते पलटते रहेंगे। दूसरी पूरी को हाथों से भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये देखिए पहली पूरी हमारी बनके अच्छी गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी करारी बनके तैयार है। इसी तरह से दूसरी भी बना के हम तैयार कर लेंगे, कटर से कट कर लेंगे उसको भी। और इसको भी हम डालेंगे और इसको भी पोनी से प्रेस करते हुए सेक लेंगे।
इस तरह से कोनी से प्रेस करते हुए हमें अपनी पूरी को सेकना है ताकि वो अच्छी फूली फूली बन के तैयार हो। तो इसी तरह से हमें अपनी सारी पूरियां बना के तैयार कर लेनी है। कोनी से प्रेस करते हुए सेकेंगे तो पूरियां अच्छी फूली फूली बन के तैयार होंगी। ये देखिए हमने अपनी सारी पूरियां बना के तैयार कर ली हैं। अब हम अपनी दही बड़ों की दही तैयार कर लेंगे। दही में 2 चम्मच हमने पिसी हुई चीनी मिला ली है। अच्छी मीठी दही चाहिए हमें दही बड़े के लिए। साथ ही हम अपनी साबूदाने की खीर को सर्व करने के लिए बोल में डाल लेंगे, उसको गार्निश कर लेंगे ड्राई फ्रूट से। इधर हमने अपनी आलू की सब्ज़ी भी ले ली है, उसको भी गार्निश कर लेंगे धनिया पत्ते से। पूरी डाल लेंगे अपनी थाली में और अब हम अपने बोल में दही बड़े लगाएंगे। इस तरह से 2 वड़े डाल लेंगे अपनी एक बोल में। उसके ऊपर अब हम ऐड करेंगे दही। दही के बाद हमने ऐड कर लेंगे हरी चटनी और साथ ही हम भुना जीरा डाल लेंगे और फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे हम इस पे और थोड़े से धनिया पत्ते से गार्निश कर लेंगे। जी रेडी हो गए हैं झटपट हमारे साबूदाने के दही बड़े और आलू की सब्जी, साबूदाने की खीर और साबूदाने की पूरियां। साथ ही सब थाली में हम लगा लेंगे अपनी साबूदाने की टिकियां और हरी चटनी रख के अपनी थाली को कंप्लीट करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारे नवरात्रि स्पेशल थाली। साबूदाने की सारी चीज़ें बनाई आज हमने। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।